पीपल हु गॉट स्टक इन वियर्ड प्लेसेस। नमस्कार, सिक्स सेंस यूट्यूब चैनल की एक और जबरदस्त और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि कभी कभी खुद इंसानों को भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता। एक तरफ जहां इंसान इतनी तरक्की कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेवकूफाना हरकतों से बाजी नहीं आते। अपनी बेवकूफियों की वजह से ये लोग कभी कभी ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं कि बाद में इन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सर पे फंसा ट्रैफिक कोन। कुछ लोग इतने ज्यादा चुलबुले होते हैं कि सड़क पर रखे ट्रैफिक कोन्स को भी छेड़ने से बाज नहीं आते। अब इसे शख्स को ही देख लीजिए। इस आदमी ने ट्रैफिक कोन को अपने सर पर एक टोपी की तरह पहन लिया, लेकिन दिक्कत तो तब आई जब ये कोन उसके सर के नीचे कंधों तक आ गया। इस व्यक्ति ने कोन को निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन निकाल ही नहीं पाया। आखिरकार 2 घंटे बाद पुलिस की मदद से कोन को निकाला गया। अपनी हरकत के लिए इस शख्स को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। टॉयलेट में फंसी लड़की। इस महिला को तब शर्मिंदा होना पड़ा जब इसका हाथ टॉयलेट में फंस गया। दरअसल हुआ ये कि गलती से इस महिला के हाथ का ब्रेसलेट टॉयलेट के अंदर गिर गया। ये ब्रेसलेट इस महिला के लिए इतना कीमती था कि उसको निकालने के लिए महिला ने टॉयलेट में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से इस महिला का हाथ टॉयलेट के अंदर बुरी तरह से फंस गया। मजबूरी में इस महिला को इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। महिला का हाथ निकालने के लिए पहले टॉयलेट सीट को उखाड़कर बाहर निकाला गया। उसके बाद टॉयलेट सीट को तोड़कर ही महिला का हाथ बाहर निकल पाया। इस पूरी घटना के लिए महिला को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ट्यूब स्लाइड में फंसा आदमी। जरा इस बेवकूफ आदमी को देखिए। इस व्यक्ति ने सोचा कि अपने बच्चों की ट्यूब स्लाइड पर फिसलना काफी मजेदार होगा। वैसे ख्याल गलत नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति से बस एक छोटी सी गलती हो गई। ये व्यक्ति इस बेवकूफी भरी हरकत को करते हुए अपने शरीर के साइज के बारे में भूल गया। इसको ये याद ही नहीं रहा कि अब इसका शरीर बच्चे के जितना नहीं है। अपने मोटे पेट की वजह से ये व्यक्ति इस स्लाइड के अंदर बुरी तरह फंस गया। बाद में उसको बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, वो अलग। पार्क में फंसा पुरुष। अब जरा इन महाशय से मिलिए। पार्क में लगे बच्चों के झूले देखकर इनका बचपन जाग गया। बचपन में जो हसरत इनके मन में रह गई थी, वो इन्होंने जवानी में पूरी करने की सोची। पार्क में छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए इन्हें बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन इनका मजा तब सजा में बदल गया जब एक स्प्रिंग जैसे दिखने वाले पोल में बुरी तरह फंस गए। अपनी इस बचकानी हरकत के लिए इनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। रोलर कोस्टर में फंसे लोग। चीन के एक अम्यूजमेंट पार्क में एक राइड के दौरान अचानक रोलर कोस्टर में कुछ खराबी आ गई। उस समय उस राइड में 18 लोग बैठे हुए थे। रोलर कोस्टर उल्टा होकर अपनी जगह अटक गया। पार्क में मजे करने आए ये लोग हवा में उल्टे लटके हुए थे। उनको नीचे उतारने की सभी कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिर में एक रस्सी की मदद से उनको नीचे उतारा गया। ये लोग लगभग 2 घंटे तक हवा में उल्टे लटके रहे। नीचे उतारकर सभी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। झूले में फंसी लड़की। बच्चों के झूले और खिलौने देखकर लोगों को अपने बचपन की याद आ जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वे खुद बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अक्सर इसका अंजाम बुरा निकलता है। अब इस लड़की को देख लीजिए। इसको क्या जरूरत थी बच्चों के झूले में झूलने की? लोग ऐसे काम करते ही क्यों है कि बाद में शर्मिंदगी के कारण मुंह छुपाना पड़े, जैसे इस फोटो में ही लड़की छुपा रही है। शेल्फ में फंसी लड़की। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि आप एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए सामान रखने की शेल्फ में फंस जाएं। सोचने की ये बात असंभव सी लग रही है ना, लेकिन तस्वीर में दिख रही इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शॉपिंग करते हुए इस लड़की ने खुद को शेल्फ के अंदर ही फंसा लिया। इस लड़की को निकालने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण लड़की को काफी शर्मिंदा होना पड़ा। लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर ये लड़की इस तरह कैसे फंस गई। पार्क में फंसी लड़की। अपने दोस्त के साथ एक पार्क में घूमते हुए इस लड़की को अपना बचपन याद आ गया। इसने सोचा बचपन की याद ताजा करने के लिए रस्सी वाले झूले पर झूला जाए, लेकिन अगले ही पल इस लड़की को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। इस छोटे झूले के हिसाब से लड़की का शरीर बड़ा था, जिसके कारण इस लड़की की टांगें झूले के अंदर बुरी तरह फंस गई। लड़की के दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से उसको उल्टा लटकाकर उस रस्सी से बाहर निकाला। दीवार में फंसी उंगली।
छोटे बच्चे स्वभाव में चंचल होते हैं, वो हर चीज को छेड़ते और हाथ लगाते रहते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि इसीलिए तो उन्हें बच्चा कहा जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा इंसान ऐसी हरकत करता है तो उसे बेवकूफ कहा जाता है। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स ने कुछ ऐसी ही हरकत की। एक रेस्टोरेंट की दीवार पर बहुत सारे छेद देखकर इस व्यक्ति ने उसमें अपनी उंगलियां डालनी शुरू कर दी। आखिरकार एक छोटे से छेद में इसने अपनी उंगली को फंसा ही लिया। अपनी बेवकूफी भरी हरकत के लिए इसको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। जिप वायर में फंसे प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन। ये घटना बड़ी मजेदार है। ये घटना किसी और के साथ नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के मौजूदा प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन के साथ घटी। दरअसल हुआ ये कि साल 2012 लंदन में बोरिस जॉनसन ओलंपिक गेम्स को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे। उस समय बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर हुआ करते थे। बोरिस जॉनसन ने तय किया कि वो जिप वायर पर झूलते हुए हाथों में झंडे लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब बोरिस मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बीच में अटक गए। काफी देर तक बोरिस इसी तरह लटके रहे जब तक कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें आकर नीचे नहीं उतार लिया। इस घटना के कारण बोरिस को लोगों के सामने बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। जेल तोड़ना पड़ा महंगा। ब्राजील की एक जेल में कुछ कैदियों ने जेल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने जेल के अंदर एक छोटी सुरंग खोदना शुरू कर दी। ये योजना किसी मशहूर हॉलीवुड फिल्म के जैसी थी, लेकिन फिल्मों और असल जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। सुरंग खोदने के बाद जो पहला कैदी जेल से भागा उसके शरीर का आकार छोटा था, वो आसानी से सुरंग को पार करके जेल से भाग निकला। लेकिन उसके बाद जो दूसरा कैदी सुरंग में गया तो उसके शरीर का आकार काफी बड़ा था। वो सुरंग के सिरे तक पहुंचकर वहीं फंस गया। उस सुरंग में वो इस तरह फंस गया कि ना तो बाहर निकल सकता था ना वापस जेल में जा सकता था। इस कैदी को सुरंग से निकालने के लिए पुलिस को दीवार ही तोड़नी पड़ी थी। डब्बे में फंसा चोर। इंसान दुनिया में किसी भी चीज से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। ऐसा ही हाल फोटो में दिख रहे इस व्यक्ति का हुआ। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी द्वारा इकट्ठे किए जा रहे कपड़े और जूतों को इस व्यक्ति ने चुराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल इसको अपनी गलती का पछतावा हो गया। इस व्यक्ति का आधा शरीर कपड़ों के इस बड़े से बॉक्स में बुरी तरह फंस गया। इस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी थी। वॉशिंग मशीन में फंसा पुरुष। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये शख्स अपनी पत्नी के साथ हाइड एंड सीक या कहे लुका छुपी खेल रहा था। अपनी पत्नी से छिपने के लिए ये व्यक्ति वॉशिंग मशीन में घुस गया। कुछ ही सेकंड्स में उसको अंदाजा हुआ कि उसने वॉशिंग मशीन में घुसकर गलती कर दी है। उसका शरीर वॉशिंग मशीन में बुरी तरह फंस गया। ये व्यक्ति मशीन में इतनी बुरी तरह फंस गया कि इसको निकालने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। फायर फाइटर्स ने इस व्यक्ति के शरीर पर ऑलिव ऑयल डालकर इनको बाहर निकाला। नाले में फंसी महिला। दुनिया का कोई भी इंसान एक गंदे नाल में फंसना कभी नहीं चाहेगा। फंसना तो दूर की बात है, लोग इनके करीब जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन तस्वीर में दिख रही ये महिला एक गंदे नाले में बुरी तरह फंस गई। दरअसल रास्ते से गुजरते हुए इस महिला का मोबाइल फोन इस नाले में गिर गया। ये फोन महिला के लिए बड़ा कीमती था, वो उसको ढूंढने के लिए इस नाले में उतर गई। महिला नाले में इतनी बुरी तरह फंस गई कि इसको निकालने के लिए इमरजेंसी सर्विस बुलाई गई। बीच सड़क पर इस महिला को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। सीट बेल्ट में फंसी लड़की। क्या आप सोच सकते हैं कोई इंसान अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट में भी फंस सकता है? इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। गाड़ी में सफर करते हुए ये लड़की सीट बेल्ट लगाकर आराम से सो गई। जब इस लड़की की आंखें खुली तो इसने पाया वो सीट बेल्ट के अंदर फंस गई है। बहुत कोशिश करने के बाद सीट बेल्ट नहीं खुली। सड़क पर अन्य लोगों ने भी इस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसको बाहर नहीं निकाल पाया। आखिरकार पुलिस और फायर फाइटर्स की मदद से इस लड़की को बाहर निकाला गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें कुछ लोग अपनी बेवकूफी से तो कुछ अपने दुर्भाग्य के कारण अजीब जगहों पर फंस गए, बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। आपको इनमें सबसे ज्यादा मजेदार घटना कौन सी लगी हमें कमेंट करके बताइए ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।